नूरपुर में 2 दिवसीय भाजपा महिला मोर्चा की बैठक कशुभरम हो गया। 2 दिवसीय बैठक का आगाज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद शांता कुमार ने किया। प्रदेश स्तरीय इस बैठक में पूरे प्रदेश से सभी महिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कनाडा और नॉर्वे के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जो गर्भवती कामकाजी महिलाओं को 7 सप्ताह का वेतन और 26 सप्ताह का अवकाश केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया है। जनधन योजना को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 33 करोड़ खातों में से 17 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख करोड़ में 1.7 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन के तहत सुविधा दी गई है। नड्डा ने कहा कि पिछली सरकार ने 5 वर्षों में जहां भारत को एक पिछलू देश बना दिया था, वो देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उदयमान देश के रूप में उभरा है, जिसमें महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिसमें 6 महिलाएं कैबिनेट में हैं और इनमें भी सबसे शक्तिशाली मंत्रालय जिसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय है, जिसका कार्यभार भी महिलाएं संभाल रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान योजना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 23 सितंबर को लागू की गई इस योजना में मात्र 2 महीने में ही 2,07,000 मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है। करोड़ों की धनराशि की जहां विलिंग को हो चुकी है, वहीं 195 करोड़ रूपये विभाग दे चुका है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे मरीज थे जो गरीब और वंचित थे और किसी भी सूरत में अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने उपस्थित महिला मोर्चा की पदाधिकारियों से अपने अपने क्षेत्र में इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा, ताकि लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कसने की बात कही। वहीं इस अवसर पर सांसद शांता कुमार, स्थानीय विधायक राकेश पठानिया, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष इंदु गोस्वामी भी उपस्थित रहीं। ये बात प्रचार करने की 7 वीक्स की सैलरी भारत सरकार, 26 वीक्स की छुट्टी कंपल्सरी, और भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है, हमारे आगे सिर्फ कनाडा और नॉर्वे है, बाकी तीसरे नंबर पर महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद छुट्टी देने की 26 सप्ताह की व्यवस्था सिर्फ भारत में की है, ये दुनिया में तीसरे नंबर पर। जहां तक जनधन योजना की इकोनॉमिक दृष्टि से बात करें तो 33 करोड़ जो जनधन योजना के अकाउंट्स हैं उसमें महिलाओं के 17 करोड़, लगभग 17.5 करोड़ अकाउंट महिलाओं के हैं और महिलाओं योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसमें तो है ही उनका योगदान, लेकिन 1.5 लाख करोड़ जो डिस्पर्स हुए हैं उसमें से 5.7 करोड़ जो है एंटरप्रेन्योर्स जो है वो महिलाएं हैं, जिनको हम लोगों ने मुद्रा में लोन दिया है और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। पिछले 5 साल पहले जो पिछड़ा जो राष्ट्र था, आज वो उदयमान छलांग लगाता हुआ आगे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला भारत, और जिसमें महिला शक्ति को सही स्थान देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे मंत्रिमंडल में 6 महिलाएं मंत्री, 2 हाउस मिनिस्टर्स, कैबिनेट फॉर सिक्योरिटी, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये महिलाओं के पास हमारी महिलाएं शक्ति। आप समझिए कि मोदी जी ने महिलाओं को क्या क्या दृष्टि दी है। ये भारतीय कैबिनेट में स्थान पाना और कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी उसमें स्थान पाना ये बहुत ही गहन बात है और महिलाएं दो है, मतलब 5 सदस्य में 2 महिलाएं जिसमें प्रधानमंत्री खुद है, तो आप समझ सकती हैं कि महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान स्थान भारत की सरकार देकर के आगे बढ़ती है। आपने मतलब सारी दुनिया संभाल रखी है, मिनिस्ट्री और देश की सिक्योरिटी संभाल रखी, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ा कितना बड़ा विश्वास प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं पर और महिला शक्ति पर किया है, ये हमको समझने की जरूरत है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भारत सरकार की स्कीमों और ये आयुष्मान भारत, आपको पता है अभी 23 सितंबर को लागू किया, 2 महीने में हो गए, 2,07,000 पेशेंट्स को इसका लाभ मिल चुका है,
217 करोड़ की बिलिंग हो चुकी है और 195 करोड़ हम दे चुके हैं उन लोगों को जो गरीब हैं, वंचित हैं, कभी अस्पताल जाने की ताकत नहीं रखते थे, उनको हम दे चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके इलाके में भी ऐसे आयुष्मान भारत का लाभ उठाने वाले लोग होंगे, आप उनके घर जाइए, आप उनकी घर की स्थिति देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मोदी जी ने गरीबों का कितना भला किया। जो लोग 1-1.5 लाख का इलाज नहीं करा सकते थे, उन्होंने अच्छे अस्पतालों में 3-3 लाख का इलाज करा करके अपने जीवन को बचाया है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना एनुअल कवर, उन लोगों को जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो अस्पताल देख नहीं सकते थे, जो ये कहते थे कि ईश्वर को यही मंजूर है, ऐसे लोगों को उन्होंने जिंदगी देने का प्रयास किया है, इसको हमको समझना चाहिए। और उसमें महिलाओं का संख्या बहुत अधिक है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों बहनों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप गांव गांव में जाकर इन सारी बातों को तफसील से लोगों को समझाएं, हमारी स्कीम्स को समझाएं, न्यूट्रिशन मिशन को समझाएं, जो हमारी आशा वर्कर्स काम कर रही है उनसे जानकारी हासिल करके समझाएं और उनको सारी चीजों में आप कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, इसको आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत भला होगा।